इनर्शिया हमने समझा कि इनर्शिया क्या है, एक प्रॉपर्टी टू मेंटेन द स्टेट ऑफ मोशन, और अ प्रॉपर्टी टू अपोज स्टेट ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। मतलब रुकी हुई बॉडी रुकी ही रहना चाहती है, वो रुके हुए से चलने का अपोज करता है, चलती हुई बॉडी चलते ही रहना चाहती, सेम लाइन में सेम डायरेक्शन में, वो चलते हुए से रुकने का अपोज करती है, और चलते हुए से डायरेक्शन बदलने का भी अपोज करती है, सेम डायरेक्शन में चलते रहना चाहती है। अब इन तीनों ऑब्जर्वेशंस को मिला करके एक सेंटेंस में लिख लीजिए, तो आपका क्या बन गया, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तीन लॉ हैं न्यूटन्स के, तो इसमें क्योंकि पहला वाला लॉ रिलेटेड है किससे, इनर्शिया से, तो इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहेंगे। ठीक है, तो लिखिए आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या है लॉ? अ बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट एंड द बॉडी इन मोशन टेंड्स टू रिमेन इन मोशन विद द सेम वेलोसिटी इन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ये तो बात हुई लॉ की, कि जब तक एक अनबैलेंस्ड फोर्स न अप्लाई की जाए तब तक रुकी हुई बॉडी रुकी रहेगी, चलती हुई बॉडी चलती रहेगी। अब अनबैलेंस्ड फोर्स या बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, पहले इसे समझ लीजिए आप, कि ये एक बॉडी है, मैंने इसके ऊपर दो फोर्स लगा रखी है, देखो अपनी पूरी दोनों उंगलियों की पूरी ताकत लगा रखी है, लेकिन ये बैलेंस्ड फोर्स कहलाई जाएंगी, मेरी दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस्ड है। तो एक्चुअल में इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स अब भी जीरो है। अब मैंने एक उंगली हटा ली, तो अब मैंने इसके ऊपर क्या लगाई, अनबैलेंस्ड फोर्स। अब भी एक्चुअली दो फोर्सेस हैं, मेरी उंगली का फोर्स है और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, लेकिन वो दोनों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने मेरी उंगली के बैलेंस को इक्वल और अपोजिट नहीं किया, तो अनबैलेंस्ड फोर्स इसके ऊपर रहेगी। जब अनबैलेंस्ड फोर्स आप लगाएंगे तब इसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आएगा। ठीक है, अगर आप दो या दो से ज्यादा बैलेंस्ड फोर्स लगा देते हैं तो उससे मतलब फोर्स है ही नहीं इसके ऊपर लगी हुई, नेट फोर्स जीरो है। तो एक अनबैलेंस्ड फोर्स आप लगाएंगे किसी बॉडी पर तब उस बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आएगा। ठीक है, तो अब आप बताइए कि व्हाट इज फोर्स, फोर्स है क्या, कहीं किसी बॉडी में किसी तरह का एक्सीलरेशन है तो उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स जरूर है। फोर्स इज अ कॉज, एक्सिलरेशन इज इट्स कंसिक्वेंस। जरूरी नहीं है कि फोर्स लगाने से एक्सिलरेशन ही आए, दीवार को हिलाने लगो आप फोर्स तो पूरी लगा रहे हो, एक्सिलरेशन क्या हो रहा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब न्यूटन फर्स्ट लॉ जो अभी आपने लिखा, न्यूटन फर्स्ट लॉ, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है फोर्स क्या है। न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स, फोर्स क्या है, फोर्स एक ऐसा कॉज है जो किसी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कर दे या करने की कोशिश तो करे। आप दीवार हिलाने की कोशिश तो कर रहे हो, समझिएगा। फर्स्ट लॉ क्या है, कि जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा तब तक स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं होना, जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे। तो इसका मतलब फोर्स क्या है, फोर्स वो है जो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दे या एटलीस्ट चेंज करने की कोशिश तो करे। ये कॉज है, ये अंदर से भी हो सकता है या बाहर से भी हो सकता है। आप चल रहे हैं सड़क पर, भागे जा रहे हैं, तो हो सकता है कुत्ता पीछे पड़ा हो, तो हेयर कुत्ता इज द कॉज।
नहीं ऐसा नहीं है, हमेशा तो ऐसा नहीं है ना। तो आपका चलना खुद आपके अपने अंदर का फोर्स है ना, और आप किसी को भगाए ले जा रहे हैं धक्के मार मार के, तो उसके लिए एक्सटर्नल कॉज है। आप तो ये इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी हो सकता है, लेकिन क्या है, फोर्स इज द कॉज दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी के मोशन के स्टेट में चेंज कर दे या चेंज करने की टेंडेंसी हो, कोशिश करे, राइट। हाँ हाँ इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है वहां। हाँ ना, आप इस बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो और फोर्स आपकी कम है और फ्रिक्शन फोर्स इसको रोकने वाली ज्यादा है, तो एक्चुअल में अब आपकी फोर्स को बैलेंस कर गई है। कौन बैलेंस कर गया? फ्रिक्शन फोर्स। अनबैलेंस नहीं रही है अभी, अनबैलेंस फोर्स होते ही तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, चाहे वो किसी भी तरह का एक्सेलरेशन हो, चाहे वो लीनियर हो या सर्कुलर हो, कुछ भी हो, अनबैलेंस्ड होते ही तो एक्सेलरेशन आ जाएगा बॉडी में। आप दीवार को धकेल रहे हैं, दीवार नहीं धकेल पा रही, तो यहाँ जो रिएक्शन ऑफ वॉल है वो आपके फोर्स को, पुश को बैलेंस किए हुए। हाँ अगर कोई साउथ का हीरो आ जाए तो उसके लिए वो जो रिएक्शन है बैलेंस नहीं कर पाता, तो दीवार मूव करके पलट जाती पूरी की पूरी इधर से उधर, है ना, तब वो अनबैलेंस्ड हो गया, तब वो कौन सा फोर्स हुआ? अनबैलेंस। बैठिए, लिखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स, फोर्स इज द कॉज, फोर्स इज द कॉज इंटरनल और एक्सटर्नल दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। कई तरह के फोर्सेस होते हैं, जिसमें से एक फोर्स आपने अभी पढ़ा पीछे सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन यहां हम फोर्स के टाइप ऑफ फोर्स एक डिफरेंट एस्पेक्ट में समझेंगे। ये नेचुरल है, इसको निकालने का कोई भी मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा जरा ध्यान से। सिंपल सी बात है, बिल्कुल बिल्कुल आसान और सिंपल बात है। आपका एक ये रूम है, घर में सफाई चल रही थी तो इस कोने में एक रखा हुआ था बड़ा भारी सा ट्रंक, संदूक रखा हुआ था। अब मम्मी को यहाँ सफाई करनी थी पीछे इसके, उनसे ये हिल नहीं रहा, उन्हें कहा बेटा जरा सा इसे यहाँ से हटा दे खिसका दे, मैं सफाई कर दूंगी। अब यहाँ देखा कि यहाँ कुछ और सोफा वोफा सब सामान लगा हुआ है, मम्मी ने कहा बेटा यहाँ से यहाँ लिया, तो क्या किया आपने, पहले इधर खिसका के ले गए यहाँ, फिर यहाँ खिसका के ले गए, और इस पूरे को प्रोसेस में आपको वर्क करना पड़ा W1, वर्क आपको करना पड़ा W1। फिर क्या हुआ, सफाई पूरी हो गई, ये जो बीच में इकट्ठा कर रखा था सामान ये सब अपनी अपनी जगह लग गया, रास्ता साफ था, आपने इसे उठाया और उठा करके यहां वापस अपनी जगह सीधे खींच के ले आए। आपको वर्क करना पड़ा कितना? W2। कोई आप में से आइडिया बता पाएगा कि W1 और W2 में क्या रिलेशन है? W1 वर्क है, जब आप इसको किनारे किनारे दीवार के सहारे सहारे खिसका के सामने वाले कोने तक ले गए,
और W2 वो वर्क है जब आप सीधे डायगोनली खींच के इसे वापस पहली जगह पर इसको ले आए। ठीक है, पता नहीं आप में से क्यों जवाब नहीं दे पाए। W1 इज ग्रेटर देन W2, क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप लंबा रास्ता अपनाएंगे, आपको रास्ते में पड़ने वाले फ्रिक्शन का उतना ही ज्यादा अपोज मिलेगा। पहले आप यहां से यहां तक ले गए तो ये रास्ता लंबा है आपका, ठीक है। अब दूसरी बात इसे समझिए जरा ध्यान से, आपकी एक बॉडी है, यहां रखी हुई बॉडी है, पहले आप यहां लाए, फिर यहां लाए, फिर यहां लाए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, और आपने यहां पहुंचे। इन सारे रास्ते पर आपको फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा पूरे रास्ते पर। अगली बार आपने सीधे सीधे यहां खिसका दिया, तो जितना लंबा रास्ता होगा उतना ही ज्यादा आपको फ्रिक्शन का अपोजिशन मिलेगा। दोनों ही केस में, चाहे इस रास्ते पर मूव करें आप, ये से मूव कर दें, दोनों ही केस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। एक तो वर्क इस पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी दूर ले आकर के छोड़ रहे हो, दूसरा डिपेंड करेगा कि किस रास्ते को आप अपना रहे हो। ठीक है, तो यहां जो वर्क है, ये वर्क डिपेंड कर रहा है फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर भी, और प्लस डिपेंड कर रहा है उस रास्ते पर जो रास्ता आपने फॉलो किया। ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क डन है, ये फाइनल इनिशियल पोजीशन पर भी डिपेंड है, और इस बात पर डिपेंड है कि आपने वो फाइनल पोजीशन किस रास्ते से होकर के अटेंड की है। राइट, अब दूसरा आप क्वेश्चन समझिएगा जरा ध्यान से, दूसरा ध्यान से वर्क समझिएगा। आपका सीढ़ियां हैं और ये छत तक जा रही हैं, ठीक है, सीढ़ियां छत तक जा रही हैं, यहां ईंटों का ढेर लगा हुआ है, क्या है ये? ईंटें हैं, और इन ईंटों को आपने ऊपर छत पर पहुंचाना है। आपने मजदूर लगा दिया, दो मजदूर, तीन मजदूर आपने लगा दिए। अब एक तो प्रोसेस ये है कि वो सिर पर रखे ईंटे और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाए, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाए। दूसरा प्रोसेस क्या है कि वो गली के बाहर ही यहां पर एक रस्सी में बांधे ईंटों को और खींच के यहां रख ले, है ना? तीसरा मेथड क्या हो सकता है कि वो यहां एक फट्टा लगाए, लकड़ी का तख्ता, और उन ईंटों को खिसका कर ऊपर ले जाए, या यूं कहिए कि लुका कर ऊपर ले जाए, गोल सामान है, ड्रम है। तीन कंडीशंस हो गई, यहां तीन तरीके हो गए, तीन तरीके हो गए, कैसे? स्पेस के थ्रू, या वर्टिकली अपवर्ड, या फिर कैसा, स्लोप पे लुका करके। हम तीनों ही केस में कह रहे हैं कि फ्रिक्शन नहीं है, या जो भी फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया गया वो हम कंसिडर नहीं कर रहे जी। इन तीनों ही प्रोसेस में आपने जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है, देखो जब कोई चढ़ के जाएगा तो पैरों के और इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ता है। जब यहां से ऊपर रुका के ले जाएंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट, तो वो जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क है उसे आपने नहीं कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, आप कंसिडर कर रहे हैं ऊपर उठाने का वर्क। आप कौन सा, आप वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन आप कंसिडर नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं, सिंपली वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स।
फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशन के अगेंस्ट ऊपर उठाना पड़ेगा ना आपने। तो अब आप मुझे बताइए कि जो तीन अलग अलग रास्तों से वर्क है, W1, W2, W3, अब इनमें आपस में क्या रिलेशन होगा? तीनों ही वर्क कौन से? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तीनों ही। समझ लो W1 तो है सीढ़ियों से, W2 ये ऊपर वाला, ये तीसरा खिसका के ले जाने वाला, तीनों में क्या कोई रिलेशन है या नहीं? सही बात है कि तीनों वर्क बिल्कुल इक्वल है। आप चाहे से सीधे वर्टिकली ऊपर उठा लें किसी मास एम को, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? आपको वर्क करना पड़ेगा MGH। अगर आप यहाँ सीढ़ियों से लेके जाते तो अल्टीमेटली हाइट तो वही अटेन की आपने, तब भी आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? अगर आप यहाँ से खिसका कर लुका कर ले जा रहे हैं, तब भी अटेंड कितना करना पड़ा आपको? वही हाइट अटेंड करनी पड़ी। तो तीनों ही केस में MGH वर्क करना पड़ा आपका, तीनों ही वर्क डन आपस में बिल्कुल इक्वल रहेंगे। लेकिन कौन से वर्क डन? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। हालांकि इसमें जब सीढ़ियों से चलकर कोई आदमी जाएगा तो उसे ईंटों के साथ साथ उसे अपना बॉडी का वेट भी तो ऊपर ले आना पड़ेगा ना, तो उसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। लेकिन जो ईंटें उठा के ऊपर ले जानी, उन पर कितना वर्क करना पड़ा? उन पर तीनों केस में इक्वल वर्क करना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, एक फोर्स फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट एजेंट को जो भी वर्क करना होता है, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन एज वेल एज द पाथ फॉलोड। जबकि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। दो मंजिल तक ऊपर ले जाना तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलो। तो नेचर की वो फोर्सेस जिन फोर्सेस के अगेंस्ट या जिन फोर्सेस के द्वारा वर्क डन केवल इनिशियल फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे, रास्ते पर डिपेंड ना करे, इस टाइप की फोर्सेस को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सी? और जब ऐसी फोर्स जो करने में या जिसके अगेंस्ट वर्क करने में जो वर्क डन है इनिशियल फाइनल पोजीशन पर तो डिपेंड करे ही, साथ में उस रास्ते पर भी डिपेंड करे जो रास्ता आपने फॉलो किया है, तो अब इस फोर्स को बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है बात ये? तो अब आप डालिए टाइप ऑफ फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन। द फोर्स बाय विच और अगेंस्ट विच वर्क डन डिपेंड ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजिशन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट हेडिंग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। पहला कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल लिख लो। पहला बेस्ट एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब लिखिए आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बिल्कुल ये स्टेटमेंट लिखना, द फोर्स बाय विच और अगेंस्ट विच वर्क डन डिपेंड ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजिशन एज वेल एज ऑन द पाथ फॉलोड इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स।